हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है UP SSSC की तरफ से। जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन की न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी किस आपका ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा? UP SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। अब टोटल पद कितना आया है? 361, यानी कि 361 पदों के लिए ये भर्ती रहने वाली है। आइए हम लोग कैटेगरी वाइज सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया पहले ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जनरल कैंडिडेट के लिए 146 सीट्स है, EWS के लिए 36 यानी 36, OBC के लिए 97, SC के लिए 75 और ST के लिए 7, ओवरऑल सीट 361 है। तो अगर इस सीट्स के बारे में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। जाइए, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और डाउनलोड करके थोड़ा आउट रीड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी। आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 18th of April से, ऑनलाइन हो रहा है एंड लास्ट डेट आपका 18th of May रहेगा। और इस वैकेंसी के लिए पहले ही बताया, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की जो फ़ी होती है ना, ऑल कैटेगरी के लिए 25 रुपीज़। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। यूपी की जो वैकेंसी होती है ना, उसके लिए फॉर्म का फ़ी बहुत मिनिमम रखा जाता है। बस 25 रुपये आपका फॉर्म का चार्ज है सभी कैटेगरी के लिए। एज की लिमिट देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि एज किस तिथि से आपका गणना किया जाएगा। एज ऑन 1st of July 2024, मतलब कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार 21 to 40 यानी 21 वर्ष से 40 वर्ष के सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। अदर कैटेगरी अपना रिलैक्सेशन जानना है तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लेना। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। बैचलर डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फार्मेसी एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि एनालिस्ट वो भी मेडिसिन के लिए, तो मेडिकल का आपको नॉलेज होना चाहिए। फार्मेसी से जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ वो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे जिन्होंने UP SSSC का PET 2023 में एग्ज़ाम दिया था, उसका स्कोर कार्ड है, तभी आप एलिजिबल रहोगे। चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। आपका सिलेक्शन तीन प्रक्रिया होता है ना, उससे गुजरने के बाद होगा। पहले स्टेज पर रिटेन एग्ज़ाम होता है, मतलब लिखित परीक्षा होगी आपकी। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर ना सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए फिलहाल सिलेक्शन की प्रोसेस को इन डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, ऑफलाइन होता है। तो ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट आप फॉर्म अप्लाई करोगे, यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे ना, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है, क्या अवधि होगी परीक्षा की। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का, तो सोच समझ के ही आंसर टिक करिएगा। जिसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो उसको टिक ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब विषय वाइज अगर आपको बताऊं तो हिंदी के होंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन से आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा 20 नंबर के लिए। फिर यूपी का है स्पेशल, आपको GK जो होता है ना, यूपी का करेंट अफेयर्स, वहाँ का जनरल नॉलेज, उससे आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 20 नंबर के लिए। लास्टली आपका कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि फार्मेसी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहेंगे।
तो ये ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न हो गया। इसको क्लियर करेंगे तो डीवी एंड मेडिकल होगा, उसके बाद आपको यूपी में एज अ जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। सर्विस के दौरान सैलरी बहुत अच्छी मिलती है फ्रेंड्स। चलिए मैं बता देती हूँ, इससे थोड़ा आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, तैयारी की स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स आपका जो सैलरी होता है ना, एट स्टार्टिंग आपको मिलता है 35,400, मतलब 35,400 से शुरुआत ही होती है। आफ्टर पर्स अलाउंसेस पर ईयर जो सैलरी में वृद्धि होगी, उसके बाद आपकी सैलरी ना 1,12,400 रुपये की हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसके रिगार्डिंग मैंने सारी की सारी डिटेल आपको बता दी है। अब भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके भी क्वेरी सॉल्व की जा सकती है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।